हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिना वर्मा और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दी रेस्क्यू। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, और साथ के साथ मेरी ईमेल आईडी जो है hinavarma241@gmail.com उसके ऊपर आप मुझे ईमेल कर दीजिए वो चैप्टर की पिक्स के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर दो जो है दी रेस्क्यू। ठीक है, ये चैप्टर लिया गया है न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर की बुक से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दी रेस्क्यू, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अरूप कुमार दत्ता स्टोरी द रेस्क्यू। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब ये जो चैप्टर है ये एक अरूप कुमार दत्ता ने एक स्टोरी लिखी थी द रेस्क्यू, उसमें से ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है उनकी स्टोरी में से। A herd of wild elephants wander away from the Kaziranga sanctuary and enters a nearby village. अब इसमें क्या होता है, एक बहुत सारे एलिफेंट्स का ग्रुप आता है। ग्रुप कौन से एलिफेंट्स का? वाइल्ड एलिफेंट्स का ग्रुप आता है जो काजीरंगा सेंचुरी से आए हैं। ठीक है, और एक आसपास के विलेज में वहाँ पे रुक जाता है, मतलब वहाँ पे घुस जाता है। मतलब एक ग्रुप आ रहा था एलिफेंट्स का, वो नियर बाय विलेज में चला जाता है गलती से। इन दिस कन्फ्यूजन अ बेबी एलिफेंट फॉल्स इन टू अ पिट। इसी कन्फ्यूजन में, मतलब वहाँ पे जो एलिफेंट आ रहे थे अब वो कन्फ्यूज हो गए कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, तो इसी कन्फ्यूजन में क्या होता है, एक बेबी एलिफेंट, एक एलिफेंट का छोटा सा बच्चा क्या होता है, एक पिट के अंदर घुस जाता है। पिट क्या होता है? एक होल, एक गड्ढा। तो एक गड्ढे के अंदर एक छोटा सा बेबी एलिफेंट घुस जाता है, मतलब गिर जाता है। नालिया अ ग्रीडी विलेजर कैचेस द बेबी एंड डिसाइड्स टू सेल इट। अब नालिया यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम है नालिया, वो एक ग्रीडी विलेजर है, मतलब जो विलेज में रहने वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा लालची है, लालची विलेजर है। तो उसको जब पता चलता है, वो देखता है जब इस बेबी एलिफेंट को, तो वो क्या करता है, वो उसको पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं इसे अब बेच दूँगा। क्या कर दूँगा? बेच दूँगा। डिसाइड्स टू सेल इट। Will the three friends धनाय बबूल and जॉन्टी will be able to rescue the baby elephant? अब यहाँ पे तीन बंदे हैं, तीन दोस्त हैं। कौन है? धनाय है, बबूल है और जॉन्टी है। क्या ये तीन इस बेबी को छुड़ाने में मदद कर पाएंगे, छुड़ा सकेंगे, रेस्क्यू कर सकेंगे? रेस्क्यू का मतलब क्या है? किसी को बचा लेना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। धनाय बबुल एंड जॉन्टी एंटर्ड द कंपाउंड ऑफ नालियाज हाउस बाय क्लाइंबिंग ओवर द बैम्बू फेंसिंग। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो तीन फ्रेंड्स हैं धनाय बबुल और जॉन्टी, ये जो है नालिया के कंपाउंड में घुस जाते हैं। कैसे? बाय क्लाइंबिंग ओवर द बैम्बू फेंसिंग। अब फेंसिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पार्क है, ठीक है, पार्क के आसपास जो बाउंड्रीज बनी होती है ना, उसको हम बोलते हैं फेंसिंग। ठीक है, तो वो फेंसिंग को टाप के आ जाता है, मतलब क्लाइंब करके आ जाते हैं वो तीनों बच्चे। कहाँ पे आ जाते हैं? नालिया के कंपाउंड में। ठीक है, द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। अब वहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा था, मतलब क्या है, वो रात की बात है तभी अंधेरा हो रहा था, दिन होता तो ऑफकोर्स वहाँ पे रोशनी होती। दे सर्कल द हाउस टिल दे रीच्ड द काउशेड एट द बैक। अब वहीं पे जो उसका कंपाउंड था वहाँ पे उसने काउशेड बनाया हुआ था, एक ऐसी जगह जहाँ पे काउस बफेलोस को वो रखती थी, ठीक रखता था, सॉरी नालिया रखता था। The circle the house till they reach the cowshed at the back। तो मतलब वो cowshed के पास जाने के लिए वहाँ पे सर्कल उन्होंने बनाया हुआ था कि अब हम आराम आराम से उसके पास जाएंगे, उसको चारों तरफ से घेर रखा था। वन ऑफ द नालियास छग्स सेट बाय द ओपन एंट्रेंस टू द काउशेड। अब नालिया का एक क्या था, बंदा बैठा हुआ था काउशेड की एंट्रेंस में। कहाँ पे? काउशेड की एंट्रेंस पे, जहाँ पे उसने एनिमल रखे थे वहीं पर उसने एक बंदा बिठा रखा था, एक गार्ड टाइप का। नालिया हैज़ पोस्टेड अ गार्ड टू वॉच ओवर हिज ट्रेजर। अब इसने क्या करा हुआ था, नालिया जो बंदा है उसने क्या करा हुआ था, एक गार्ड रखा हुआ था ताकि वो उसके ट्रेजर को, उसका जो खजाना है उसको वो क्या कर सके, बताइए, उसको वो संभाल सके, उसको देख रेख कर सके। अब इधर ट्रेजर का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारा सोना था चांदी था, उसका ट्रेजर क्या है, जो बहुत सारे एनिमल्स उसने बांध रखे थे, ठीक है, वो उसका ट्रेजर है। द बॉयज हर्ड अ स्नोर। अब जो बच्चे थे वहाँ पे, कौन से बच्चे, धनाय बबूल और जॉन्टी, ये तीन बच्चे, ये क्या सुनते हैं, एक आवाज़ सुनते हैं। स्नोर मतलब एक आवाज़, किसकी आवाज़,
जो भी वहाँ पे जानवर हैं, एनिमल हैं, उनकी आवाज़ सुनना, ठीक है। नालियाज़ गार्ड वॉज असलीप, नालिया का जो गार्ड था वो वहाँ पे सो रहा था, वो नींद में था। केयरफुली दी बॉयज स्लिप्ट पास दी गार्ड, अब चुपके से बॉयज जो है, समझो यहाँ पे गार्ड है, तो ये तीन बॉयज जो हैं वो गार्ड से चुपके चुपके धीरे 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 क्या करते हैं, अंदर काउ शेड के पास जाते हैं, मतलब गार्ड को वो क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। जॉन्टी स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च, अब जॉन्टी ने क्या किया, जो तीन बंदे थे, तीन बच्चे थे, उन्होंने, जॉन्टी उनमें से जो बच्चा था उसने अपनी टॉर्च को ऑन किया, ठीक है, ताकि वहाँ पे लाइट आ जाए, क्योंकि वो क्या बोला हुआ था, वहाँ पे टोटल डार्कनेस थी, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, तो जॉन्टी ने अपनी टॉर्च को जला लिया, ऑन कर लिया। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द काउ शेड सेट टू मैसिव बुल्स विद अ पाइल ऑफ हे इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अब काउ शेड की साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में काउ शेड की क्या हुआ था, दो बुल्स रखे हुए थे, ठीक है, बुल मतलब बैल, जिसको हम हिंदी में बैल बोलते हैं, तो दो बड़े बड़े बुल रखे हुए थे, मैसिव बुल रखे हुए थे, जिनके सामने उनका खाना भी रखा हुआ था, पाइल ऑफ हे जो उनका खाना था, चारा उनका, ठीक है। दो बुल्स थे लेफ्ट साइड में काउ शेड के, और वहाँ पे उनका चारा रखा हुआ था उनके सामने। इन द राइट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड साइड क्या था, द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू अ थिक वुडन पोल। अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे कौन थे, दो बुल्स थे जिनका जिनके सामने उनका खाना रखा हुआ था, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या हुआ था, जो एलिफेंट काफ है, मतलब एलिफेंट का छोटा सा बच्चा है जो पहले पिट में गिर गया था, उसको नालिया ले आया बेचने के लिए, अब वो एलिफेंट काफ उसने काउ शेड में बांधा हुआ है, किससे बांधा हुआ है, एक वुडन पोल से, ठीक है, मतलब एक पोल है वहाँ पे, जैसे एक पोल है, वुडन पोल, बहुत बड़ा वुडन पोल है, उससे एलिफेंट काफ को बांधा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ रोप, ऑफकोर्स रोप से ही बांधेंगे। इट्स फोर एंड हिंड लिम्स वर हॉब्ड विद द रोप्स, ठीक है, हॉबल्ड विद द रॉप्स। अब क्या हुआ, जो बच्चा था, एलिफेंट काफ था, उसकी जो फोर आर्म्स थी, दो आगे की और दो पीछे की, हिंड लेग्स, ठीक है, फोर और हिंड लेग्स, इन्हें क्या किया गया, इन्हें भी उसने नालिया ने बंधवा दिया था या बांध दिया था रोप से। हॉबल्ड विद रॉप्स का मतलब क्या है, टाइड टुगेदर विद रोप्स, ठीक है, बांध दिया था रोप्स के द्वारा। एंड द रोप वॉज टाई टू द पोल, और उस रोप को पोल से टाई कर दिया था। जैसे ये बच्चा है यहाँ पे नालिया के, मतलब जो एलिफेंट काफ है उसके दो आगे के पैर और दो पीछे के पैर बांध दिए गए थे, ठीक है, अब वो बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है और साथ में उसी बच्चे के ऊपर रोप बांध दी उन्होंने और एक वुडन पोल के साथ उसे बांध दिया। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज़ फेस, अब इन्होंने क्या किया, जो जॉन्टी ने टॉर्च जलाई थी उसने वो टॉर्च की बीम, मतलब जो लाइट गई, वो बेबी के फेस पे रखी, मतलब बेबी को दिखाया, बेबी को देखा टॉर्च से, ठीक है। द थ्री यंगस्टर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लेम्ड अलाउड, वो एकदम से डर गए, ठीक है, कि ये क्या हो गया। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन द बेबीज फेस, अब क्या हो रहा था, जो एलिफेंट काफ था, मतलब जो एलिफेंट का बच्चा था, उसकी आँखों में से टीयर्स आ रहे थे, वो रो रहा था, ठीक है, और वो रो रहा था तो उसके जो टीयर्स थे वो पोर हो रहे थे, गिर रहे थे उस एलिफेंट के फेस पे। तो अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन द बेबीज फेस, इट वॉज क्राइंग, मतलब जो बेबी था वो रो रहा था और उसके फेस पे उसके टीयर्स पोर हो रहे थे, गिर रहे थे। The boys tiptoed up to the elephant calf and gently stroked his back. अब क्या हुआ, जब जो boys आए तो उन्होंने क्या करा, elephant calf को ऐसे प्यार किया और उनके उसके back पे ऐसे stroke किया, ठीक है, rub किया। Babool wiped its tears, जो बबूल एक बच्चा था उसने उसके tears को wipe करा, ठीक है, उनको पहुँचा विद द एंड ऑफ his शर्ट, मतलब जब उसने, बबूल ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके शर्ट के एंड के कपड़े से उसने क्या किया, एलिफेंट काफ के टीयर्स को पहुंचा। द काफ रिस्पॉन्डेड बाई कर्लिंग इट्स ट्रंक अराउंड द बॉय, अब काफ जो था, बेबी काफ, उसने जो अपनी टेल है, अपनी टेल जो थी काफ की, उसने उसको कर्ल अराउंड करा, मतलब उसको मोड़ दिया बेबी के अराउंड, मतलब उसने इस तरह से रिस्पॉन्स किया, उसको, काफ को पता चल रहा था, बच्चे को पता चल रहा था, बेबी को, कि हाँ ये मेरी मदद करने आए हैं ये तीनों बच्चे। फ्रॉम द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट जॉन्टी ब्रॉट आउट अ कर्व नाइफ विद अ वुडन हैंडल, जो जॉन्टी था उसने क्या करा, उसने एक बेल्ट पहनी हुई थी, ठीक है, जॉन्टी जो बच्चा था उसने एक बेल्ट पहनी हुई थी और उस बेल्ट के पास इसने क्या रखा हुआ था, एक कर्व्ड नाइफ रखा हुआ था,
ठीक है, नाइफ जो ऐसे करके कर्व हो जाता है और दोबारा खुल जाता है, ऐसा नाइफ रखा हुआ था और उसका हैंडल वुड का था, तो वो वुडन हैंडल वाला नाइफ उसने रखा हुआ था। धनाई टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ। अब जो धनाई था बच्चा, मतलब दो बच्चे थे, जॉन्टी धनाई और तीसरा कौन सा था, बबूल। बबूल ने क्या किया था, बच्चे के टीयर्स साफ किए थे, पहुँचे थे किससे, अपनी शर्ट से। और जो ये जॉन्टी है, इसने पहले टॉर्च ऑन की थी और अब ये जो जॉन्टी है इसने कर्व नाइफ निकाला और वैसे ही सेम नाइफ धनाय के पास था, तो धनाय ने भी वही नाइफ निकाला। तो धनाय टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ। आर्म्ड का मतलब होता है कोई भी वेपन अपने पास होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वेपन को हम बोलते हैं आर्म्ड होना, ठीक है। तो धनाय के पास भी वैसे ही वेपन था, मतलब वही नाइफ था, और उसने भी वो नाइफ निकाला। टुगेदर दे हैक्ड एट द रोप्स टू गिव द एंड्स अ फ्रेड लुक, ठीक है। हैक्ड एट मतलब कट रफली। उसने क्या करा, दोनों बच्चों ने, मतलब धनाय और जॉन्टी ने उस रोप को कट करने लग गए, और ऐसे कट करा, स्ट्रेट नहीं कट करा, वरना तो पता चल जाएगा नालिया को कि भाई ये तो किसी ने काटा है। उन्होंने रफली उसे कट करा रोप को, ठीक है। हैक्ड एट का मतलब कट रफली एंड द रोप्स टू गिव द एंड्स अ फ्रेड लुक। फ्रेड लुक मतलब वॉर्न आउट लुक, ऐसा लगे कि ये रोप टूट गई है, ये ना लगे कि वो कटी है। अगर वो कटी होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो इन्होंने इस तरह से काटा कि वो रोप ऐसे लगे कि वो वॉर्न आउट हुई है, मतलब उसको रफली वो टूट गई है, ठीक है, ये ना लगे कि उसे काटा गया है। तो धनाए और जॉन्टी ने बहुत ही आराम से सोच समझ के रोप को धीरे धीरे काटा और रफली काटा। They wanted to give the impression that the वो एक impression देना चाहते थे। किसको impression देना चाहते थे, of course नालिया को impression देना चाहते थे, that the baby had succeeded in escaping without any help। मतलब वो नालिया को ये दिखाना चाहते थे कि ये जो baby elephant है ये अपने आप भाग गया है, ठीक है, ये अपने आप भाग गया है और इसकी help किसी ने भी नहीं की, मतलब इन तीनों बच्चों ने इसकी help नहीं करी और ये baby खुद भाग गया है उस रोप को तोड़कर। द एलिफेंट काफ ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस। जो बच्चा था उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई स्ट्रगल नहीं करा, मतलब उन्हें हटाया नहीं बच्चों को, उसने चुपचाप उन बच्चों को काम करने दिया, रोप को काटने दिया। इट वॉज एज इफ ही न्यू दैट द बॉयज़ वर देयर टू हेल्प, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था, मतलब जो एलिफेंट काफ था उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो बच्चे हैं ये उसकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, इसलिए उस एलिफेंट काफ ने, उस छोटे से एलिफेंट के बच्चे ने कोई भी रुकावट नहीं करी, कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी फोर्स नहीं लगाया बच्चों को अलग करने के लिए, उसने वो सब करने दिया जो वो बच्चे करना चाहते थे। एट लास्ट दी रोप्स वर अनडन, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, रोप्स को काट दिया गया। अनडन मतलब काट दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। बबूल कॉट होल्ड ऑफ द रोप टाइड अराउंड द बेबीज नेक। अब बबूल ने क्या करा, जो बेबी की नेक के पास रोप थी उसको क्या करा, उसने होल्ड करा, ठीक है, पकड़ा, मीनिंग टू गाइड इट क्वाइटली आउटसाइड, ताकि वो क्या करे, उसकी गले वाली रोप उन्होंने नहीं काटी, गले वाली रोप से उसको पकड़ा, और इसलिए पकड़ा ताकि अब वो उसे गाइड कर सके, उसको लेके जा सके वहाँ से उस रोप के साथ, उस रोप के सहारे, ठीक है, ताकि वो एलिफेंट काफ को रास्ता दिखा सके। जस्ट देन वन ऑफ द बुल्स विच हैड सो फार टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग लेट आउट अ लाउड बेलो। अब क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, जो वहाँ पे दो बुल्स थे, ठीक है, जो बैल थे, उनमें से एक बुल ने क्या करा, बहुत तेज़ से आवाज़ मारी, ठीक है, बहुत तेज़ से आवाज़ करी, लाउड बेलो। बेलो मतलब बहुत तेज़ से आवाज़ करी, जो बुल साउंड करती है उसे हम बेलो बोलते हैं। तो टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग, मतलब अभी तक जो बुल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब उनमें से किसी एक बुल ने क्या करा, बहुत ही तेज़ साउंड प्रोड्यूस कर दी। द एलिफेंट बेबी स्क्वील्ड नर्वसली। अब एलिफेंट बेबी ने भी क्या करी, आवाज़ निकाली, स्क्वील्ड मतलब आवाज़ निकाली, स्क्वील्ड का मतलब है मेड अ हाई पिच्ड साउंड, मतलब तेज़ी से आवाज़ निकाली। आउटसाइड द गार्ड अवोक एंड जम्प्ड इट टू हिज फीट, ठीक है। अब क्या हुआ, आउटसाइड जो बाहर गार्ड बैठा हुआ था वो एकदम से उठ गया इन दोनों के, बुल के और एलिफेंट की आवाज़ सुन के, और वो एकदम से खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। ही इज़ कमिंग इन टू इन्वेस्टिगेट। अब वो आ रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, धनाई हिस्ट अर्जेंटली। ये किसने बोला, धनाई ने बोला, किसको बोला, जॉन्टी और बबूल को, कि अब जो बाहर गार्ड बैठा हुआ है वो आने वाला है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, वो पता लगा सके अंदर हो क्या रहा है।
व्हाट ऑन द अर्थ कैन वी डू, क्या अब हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, किसने बोला? धनाय ने बोला अब हम क्या कर सकते हैं. द एम्प्टी शेड ऑफर्ड नो कवर, जो जहाँ पे वो थे मतलब जो काउ शेड में थे उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, मतलब कोई और चीज़ नहीं थी जहाँ पे वो बच्चे छुप सके. द डोर वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहाँ से वो बच्चे आए थे वही पॉइंट था एग्जिट करने का, वही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था काउ शेड के अंदर जहाँ से वो बच्चे जा सके. और उसी डोर के बाहर कौन बैठा हुआ था? गार्ड बैठा हुआ था. सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेड इन अ नर्वस हिस्पर. जॉन्टी जो बच्चा था उसने नर्वस होते हुए बहुत घबराते हुए कहा कि बेबी को खुला छोड़ दो, ही इज़ आर ओनली चांस. ठीक है, उन्होंने बोला कि यही है एक हमारा इकलौता चांस, यही है कि इस बेबी को अब अकेला छोड़ दो. द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर, जो गार्ड था वो अब डोर पर आ चुका था. द बॉयज़ लेट गो ऑफ द काफ, बॉयज़ ने क्या करा, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को जाने दिया, एलिफेंट के बच्चे को जाने दिया. बबूल हिट इट स्मार्टली ऑन द बैक, बबूल ने क्या करा उसके बैक पे हिट किया ताकि वो जो एलिफेंट काफ है वो जाए. ठीक है, विद अ स्टार्टल्ड क्राई इट शॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन. अब क्या हुआ, जब उसके बैक पे मारा, ठीक है, बबूल ने किसकी बैक पे, एलिफेंट काफ के बैक पे मारा, तो क्या हुआ वो एकदम से पहले थोड़ा सा चिल्लाया और उसके बाद वो एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बहुत तेज़ भागने लग गया. कौन भागने लग गया? एलिफेंट काफ का, एलिफेंट काफ मतलब एलिफेंट का बच्चा. इट रैम्प स्ट्रेट इन टू द गार्ड पुशिंग हिम असाइड, ये वो ऐसे भागा कि जो गार्ड था गार्ड को गार्ड से टकराते हुए भागा, जिसकी वजह से गार्ड नीचे गिर गया. ठीक है, पुशिंग हिम असाइड, वो साइड में गिर गया. द मैन लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज ही फेल. ठीक है, अब जैसे ही वो मैन मतलब जो गार्ड था वो गिरा तो उसने भी एक चीख मारी. ठीक है, येल आउट ऑफ अलार्म मतलब उसने भी एक चीख मारी एज ही फेल, जैसे वो गिरा तो उसने भी एक चीख मारी. ही वॉज नॉट हर्ट एंड इन अ सेकेंड ही वॉज डैशिंग आफ्टर द फ्लिंग बेबी, उसको कहीं लगी नहीं थी चोट और वो दोबारा से खड़े होकर बेबी को देखने लग गया. द बॉयज़ वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग, बॉयज़ जो थे, जो तीन बॉयज़ थे जॉन्टी धनाए और बबूल, वो एकदम से ऐसे वहाँ से शेड से भागे जैसे बिजली कड़कती है ना फटाफट तेज़ी से, ऐसे ही वो तीनों बच्चे जल्दी से वहाँ से भाग गए. दे रैन अक्रॉस द एम्प्टी बैकयार्ड, स्केल्ड द फेंस इन वन स्विफ्ट मोमेंट एंड देन रैन टू द गेट टू वॉच द फन. अब उन्होंने क्या करा, वो जो बैकयार्ड था मतलब उनके पीछे जो काउ शेड था उसके पीछे एक बैकयार्ड था, उधर वो गए. उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो फेंसिंग लगी हुई थी दोबारा से उसके ऊपर से वो टापे, स्विफ्ट द फेंसिंग. ठीक है, फेंसिंग इन वन स्विफ्ट मोमेंट मतलब एक फटाफट सी मोमेंट में फेंसिंग पे वो जंप करके चले गए. एंड रैन टू द गेट टू वॉच द फन, और गेट के पास चले गए ताकि अब वो फन देख सके. बाहर चले गए, फेंसिंग से बाहर चले गए, कंपाउंड से, नालिया के कंपाउंड से बाहर चले गए ताकि अब वो फन देख सके कि अब आगे क्या होगा. द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मेरी चेस, अब जो एलिफेंट काफ था वो क्या कर रहा था, लीड कर रहा था मैन को, मतलब जो मैन था गार्ड था वो उसके पीछे था और उसको लीड कौन कर रहा था, एलिफेंट, मतलब एलिफेंट ज़्यादा तेज भाग रहा था और उसके पीछे 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 मैन भाग रहा था. कौन सा मैन? जो गार्ड था. एस्केप, द गार्ड शाउटेड एज ही रैन. ठीक है, तो गार्ड ने क्या बोला कि चला गया, एस्केप्ड, चला गया. किसने बोला? गार्ड ने शाउट किया, चला गया. कब बोला उसने? एज ही रैन, जब वो रैन करा, जब वो भागने लगा. कौन भागने लगा? एलिफेंट काफ. द एलिफेंट काफ हैज एस्केप्ड, जो एलिफेंट का काफ है वो एस्केप्ड हो चुका है, वो जा चुका है. किसने बोला है? गार्ड ने बोला है. वॉइसेस साउंडेड विद द हर्ट, विद दी हर्ट समवन लिट अ लैंटर्न. अब क्या हुआ, जैसे ही ये आवाज़ आई किसी ने अपने लैंटर्न जला दिया. ठीक है, लैंटर्न मतलब लैम्प जला दिया. ठीक है, लालटेन जिसे बोलते हैं. एंड दी फ्रंट डोर बर्स्ट ओपन, और जो फ्रंट का डोर था वो एकदम से खुला. नालिया एंड टू अदर्स रश्ड आउट एंड जॉइंड द फ्यूरियस चेस. अब नालिया जिसका ये कंपाउंड था, जिसने एलिफेंट काफ को टाई करके रखा हुआ था कि वो बेच दे, वो और उसके साथ दो बंदे और आए. ठीक है, और वहाँ पे आ गए. किधर से आए? जो फ्रंट गेट था उधर से आए. राउंड एंड राउंड द बेबी वेंट, बेबी क्या कर रहा था, गोल गोल घूमी जा रहा था विद द मैन इन हॉट परस्यूट. ठीक है, हॉट परस्यूट का मतलब फॉलोइंग क्विकली, मतलब वो राउंड राउंड एलिफेंट काफ घूम रहा था और उसके पीछे 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 कौन घूम रहा था? गार्ड घूम रहा था. नालिया क्विकर ऑन हिज फीट देन दी अदर्स, नालिया सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहा था
ऑलमोस्ट कॉट अप विद द एनिमल, ठीक है, वो एनिमल को पकड़ने वाला था बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, ठीक है, वो एनिमल को पकड़ने वाला था पर क्या हुआ, एकदम से उसका बैलेंस खो गया और वो एकदम से नीचे गिर गया फ्लोर के ऊपर अपने मुँह के बल, ठीक है, फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, अपने मुँह के बल नीचे गिर गया। नालिया क्विकली केम अप विद एन आइडिया, ठीक है, अब नालिया को एक आइडिया आया फटाफट, दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल द साइड्स कटिंग ऑफ ऑल इट्स एस्केप रूट। अब किसने क्या करा, नालिया ने बोला कि हम बेबी को क्या करते हैं चारों साइड से घेर लेते हैं, कहते दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसको चारों तरफ से बेबी को घेर लेते हैं और ताकि क्या होगा उसका जो भागने का रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, हम उसके लिए भागने का रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कटिंग ऑफ इट्स ऑल एस्केप रूट्स। अंडर नालियाज इंस्ट्रक्शन द मैन सेपरेटेड एंड जॉइंट जम्प्ड एट द एनिमल फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या हुआ, नालिया के कहने पर जो बाकी मैन थे, मतलब कौन हो गए, दो तो उसके साथ जो गार्ड आए थे नालिया के साथ, मतलब दो जो उसके साथ बंदे आए थे और एक जो गार्ड, ठीक है, तीन वो हो गए और चौथा नालिया, तो इन्होंने क्या करा, चारों क्या हो गए, बेबी को इन्होंने घेर लिया चारों ने। द रिज़ल्ट वॉज नॉट वट दे हैड होप्ड फॉर, पर अब इस बार वो रिज़ल्ट नहीं था जो नालिया ने सोचा था कि वो उसको एस्केप नहीं करने देंगे और चारों तरफ से घेर लेंगे, अब ऐसा नहीं हुआ। The four of them banged into each other, ठीक है, अब वो चारों ही एक दूसरे के साथ टकरा गए, ठीक है, banged on मतलब एक दूसरे से टकरा गए, banged into each other while baby slipped through a gap and rushed blindly, ठीक है, और जो बेबी काफ था वो एकदम से स्लिप होके फटाफट भागने लग गया, जो वहाँ पे गैप था उन सबके बीच में उधर से भागने लग गया, रश्ड ब्लाइंडली मतलब अंधों की तरह भाग रहा था, बिल्कुल तेज़ी से, वो किसी को नहीं देख रहा था। स्ट्रेट एट नालियाज हट, मतलब वो इतने तेज भागा कि वो नालिया के हट के ऊपर भाग, मतलब नालिया के हट के पास भागा। द वॉल ऑफ द हट वर वीक, जो हट थी नालिया की वो बहुत ज़्यादा वीक थी, एज दे वर मेड अप ऑफ बैम्बू, क्योंकि वो बैम्बू से बने हुए थे। The elephant calf did not know its strength, ठीक है, अभी तक जो elephant calf था उसको पता नहीं था कि भाई उसकी strength कितनी है, वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अब उसे क्या पता चला कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये नाले और इनके सामने जो बंदे हैं वो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो बिल्कुल पावरफुल नहीं है जितना ज़्यादा पावरफुल बेबी एलिफेंट है। इट वेंट थ्रू द वॉल्स एज इफ दे वर मेड ऑफ पेपर, वो ऐसे बेबी उन वॉल्स में से गया जैसे वो पेपर के बने, फाड़ता हुआ चला गया, ठीक है, उनको एकदम से टीयर करता हुआ चला गया, किसको टीयर करता चला गया वॉल को, कौन सी वॉल को, जो हट की वॉल थी उसको ऐसे टीयर करते हुए चला गया जैसे वो पेपर की बनी है और बैम्बू की नहीं बनी, तो मतलब उसके लिए बैम्बू जो था वो बहुत छोटी चीज़ थी, इतना ताकतवर नहीं था, उससे ज़्यादा ताकतवर कौन था, एलिफेंट था। नालिया लुक्ड एट अप द हेवन, टोर एट हिज हेयर एंड एमिटेड अ टेरिबल वेल। टेरिबल वेल का मतलब क्या है देखते हैं, एमिटेड अ टेरिबल वेल का मतलब है स्क्रीम्ड या क्राइड आउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाई, ठीक है, चिल्लाया, सॉरी, ठीक है, नालिया एक लड़का है, तो नालिया लुक्ड अप एट द हेवन्स मतलब ऊपर की तरफ देखा नालिया ने, टोर एट हिज हेयर मतलब अपने बाल पकड़ते हुए वो बहुत तेज से चिल्लाया। With a fearful howl, he rushed at the baby with murder in his eyes. अब क्या हुआ, उसने देखा बेबी को और उसकी आंखों में ऐसा था कि मैं क्या करूँ, इस बच्चे का मर्डर कर दूँ। मर्डर इन हिज आइज़ का मतलब है हेयर अ लुक ऑफ एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, मतलब उसके मन में बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एंगर था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था नालिया। His hands curved like claws as if to थ्रॉटल दी काफ अलाइव, ठीक है, उसके जो हाथ थे नालिया के बंदे के, उसके हाथ गुस्से में ऐसे उसकी मुट्ठी बंद हो गई जैसे वो क्या है, क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज ऐसे ही होते हैं जो घोड़े या बाकी जानवरों के पैर होते हैं, ऐसे ही होते हैं दबे हुए, तो उसने ऐसे अपने हैंड्स को बहुत एंगर में दबाया और वो ऐसा लग रहा था कि वो अब जो बच्चा है बेबी काफ है उसको वो खाई जाएगी, ठीक है, उसको किल ही कर देगी, ख़त्म कर देगा सॉरी। The fleeing baby brought down more walls of the hut, ठीक है, लेकिन जो बेबी था वो और ज़्यादा तेज़ भागने लग गया और जो बाकी हट की वॉल्स थी वो भी उसने तोड़ दी। नालिया लेट आउट अ लॉन्ग पेनफुल क्राई एज ही लुकड एट द शैम्बल्स दैट हैड वंस बीन अ
बीन हिज हाउस, ठीक है। अब क्या हुआ, नालिया ने क्या किया, नालिया ने और ज़्यादा तेज़ से चिल्लाया, क्योंकि अब वो देख रहा है कि जो मेरा पहले हट था, मेरा घर था, अब वो एक तरह से पूरी तरह गिर चुका है, शैम्बल्स मतलब मैस बन चुका है, अब उसका कुछ नहीं रहा, मैस बन चुका है। गेट द कुंकी, नालिया बाउट, नालिया ने कहा कि जाओ कुंकी को लेके आओ। अब देखते हैं ये कुंकी कौन है, ठीक है। दी कुंकी वॉज द ट्रेंड एलिफेंट, कुंकी जो था वो एक ट्रेंड एलिफेंट था, उसको ट्रेन किया गया था नालिया के द्वारा। ही विल हैव टू रोप द काफ, वो क्या कर, वी विल हैव टू रोप द काफ, वो नालिया ने बोला कि हमें तब तक काफ को बांधना पड़ेगा। वी मस्ट डू समथिंग, बबूल सेड अर्जेंटली। बबूल जो था, जो बाहर तीनों बच्चे खड़े हुए थे उसमें से बबूल ने बाहर से चिल्लाते हुए बाहर से बोला, किसको बोला, जॉन्टी और धनाय को, क्या बोला, इफ दे ब्रिंग द कुंकी द काफ डजंट स्टैंड अ चांस, अगर वो कुंकी को ले आएंगे तो काफ का बचने का कोई भी चांस नहीं है, एलिफेंट के बच्चे का बचने का चांस कोई भी नहीं है। कम सेट धनाय, अब धनाय बोलता है कम इधर आओ, आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क, धनाय बोलता है मुझे पता है एक ऐसी ट्रिक जो काम कर सकती है और जो बेबी काफ है जिसकी वजह से वो बच जाए उस ट्रिक की वजह से। He led his companions far away from Nalia's hutment and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary. ठीक है, उन्होंने क्या किया, He led his companions far away from Nalia's hutment and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary. मतलब नालिया के जो, नालिया का जो हट था वहाँ से वो क्या लेके आए, वहाँ से वो तीनों बच्चे आए, ठीक है। ही लेड हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस कौन थे वहाँ पे, धनाए था, जॉन्टी था और बबूल था, वो तीनों आए नालिया के घर के पास से और स्टॉप कर गए, ठीक है। एंड स्टॉप्ड एट अ पॉइंट वेयर अ नैरो ट्रेल लेड इनटू द सेंचुरी, जहाँ पे सेंचुरी की तरफ जो रास्ता जा रहा था वहाँ पे वो रुक गए, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता था कि जो बेबी काफ है वो कहाँ से आया है, एक सेंचुरी में से आ गया नियर बाय विलेज में, तो जो विलेज से सेंचुरी की तरफ रास्ता जा रहा था वहाँ पे वो तीनों बच्चे खड़े हो गए। धनाए पुट टू फिंगर्स टू हिज माउथ एंड लेट आउट अ पियर्सिंग व्हिसल, अब धनाए जो था उसने अपनी दो फिंगर्स अपने माउथ में डाली और एकदम से सीटी बजा दी, क्या बजा दी, सीटी बजा दी, व्हिसल बजा। This was a trick his father, an experienced elephant man, had taught him. ठीक है, ये एक ऐसी ट्रिक थी, मतलब सीटी बजाना एक ऐसी ट्रिक थी जो उसके पापा ने उसे सिखाई थी। किसके पापा ने सिखाई थी, धनाए के पापा ने धनाए को सिखाई थी, और उसके पापा क्या करते थे, एक एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट मैन थे, इसलिए उन्हें पता था कि एलिफेंट के साथ कैसे डील करते हैं, तो उन्होंने धनाए को सिखाया था कि कैसे विसल बजानी है। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक, जैसे ही बेबी एलिफेंट ने वो विसल सुनी, वो सीटी सुनी, तो एकदम से बेबी एलिफेंट में क्या हो गया, जान सी आ गई, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया उसके ऊपर। विद ग्रेट स्पीड इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विसल हैड कम, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बेबी एलिफेंट था वो सीधे ही उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन से विसल आई थी, और वो डायरेक्शन कौन सी थी, वो वही डायरेक्शन थी जो सेंचुरी की तरफ जाती है, जहाँ पे सारे एनिमल्स होते हैं। बाय नाउ द बेबी हैज़ गॉक्ड ऑन इट्स ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या हो गया था, गॉक्ड इट्स ऑन स्ट्रेंथ का मतलब है अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट वॉज, मतलब अब तक बेबी को पता चल चुका था कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। प्रीवियसली इट हैड स्टेड अवे फ्रॉम द बैम्बू बैरियर बट नाउ इट रैम्प्ड स्ट्रेट इनटू द गेट, अब क्या हुआ, पहले तो वो डर रहा था इसलिए बैम्बू के लकड़ी के क्या बोलते हैं पोल से उसे बांधा हुआ था और वो चुपचाप बंधा हुआ था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि ये बैम्बू वगैरह कुछ नहीं है मेरे सामने और मैं इन्हें तोड़ के जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले तो प्रीवियसली इट हैड स्टेड अवे फ्रॉम द बैम्बू बैरियर, पहले तो बैम्बू बैरियर से दूर भाग रहा था, बट नाउ इट रैम्प्ड स्ट्रेट इनटू द गेट, लेकिन अब वो सीधा गेट के अंदर चला जाता है, मतलब जो गेट था बैम्बू से बना हुआ उसको सीधा पार कर लेता है। रैम्प्ड का मतलब क्या है, क्रैश डेलिबरेटली, मतलब एकदम से क्रैश करते हुए तोड़ते हुए चला जाता है। द वीक स्ट्रक्चर केम अपार्ट, जो वीक स्ट्रक्चर था गेट का वो एकदम से अलग हो जाता है एंड बेबी वॉज आउट, और जो बेबी एलिफेंट था वो बाहर निकल जाता है। इट रेस टू द वेटिंग बॉयज, ठीक है, वो एकदम से जहाँ पे वो तीनों बच्चे वेट कर रहे थे वहाँ पे वो उस तरफ वो जाता है। हु गेव इट अ हरीड बट अफेक्शनेट वेलकम, उन बच्चों ने क्या करा, उसका एक जल्दी जल्दी में वेलकम करा कि जल्दी जल्दी इधर आओ और जल्दी से भाग जाओ, इस तरह से उन तीनों बच्चों ने एलिफेंट का वेलकम किया। देन क्विकली दे लेट द बेबी इनटू द सेंचुरी, और एकदम से उन्होंने सेंचुरी की तरफ बेबी को भेज दिया। एज दे एंटर्ड द डीप वुड्स ऑफ द सेंचुरी, जैसे ही वो जंगलों में घुसे सेंचुरी के,
ठीक है, डीप वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो जैसे ही वो जंगल में घुसे सेंचुरी के, द बॉय स्लो डाउन टू फाइंड द मदर एलिफेंट, वो रुक गए एकदम से ताकि वो ढूंढ सके कि जो एलिफेंट है उसकी मदर कहाँ पे है, एज इफ टू हेल्प देम, ताकि वो हेल्प कर सके बेबी एलिफेंट की। द मदर लेड आउट अ लाउड एंड क्लियर ट्रम्पर, अब जैसे ही मदर थी वहाँ पे, उसे पता चला, तो एकदम से मदर ने क्या करा, एलिफेंट की मदर ने एक बहुत तेज से आवाज़ निकाली, ठीक है, लेट आउट अ लाउड एंड क्लियर ट्रम्पेट, बहुत तेज़ आवाज़ निकाली, विद अ जॉयस क्वील, मतलब एक खुशी की आवाज़ निकाली, द बेबी ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयस, बेबी ने क्या करा, अब वो बेबी मतलब जो बॉयज़ थे उन्होंने बेबी को छोड़ दिया एंड रश्ड टूवर्ड्स इट्स मदर, ठीक है, मतलब उन्होंने बेबी को छोड़ दिया और बेबी ने उसे छोड़ दिया, और वो जो काफ यहाँ पे था, एलिफेंट का बच्चा यहाँ था, वो अपनी मम्मी को देखते सीधा सीधा तेज़ी से भागकर अपनी मम्मी के पास आ गया, और अब वो अपनी मम्मी के साथ खुश है सेंचुरी में, वो अपनी मम्मी को मिल गया। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सॉरी मैं अभी तक वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। और इस चैप्टर की तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैम वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, तो आज मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना दी। और किसी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।